जो किसान गरीब होते हैं उनके लिए ये काम दिया जाता है, जैसे कि सड़कों पे दिया जाता है और खड्डे खुदाई के लिए, जिसको तालाब वगैरह में भी काम किया जाता है, उसको नरेगा कहा जाता है। जो गरीब लोग होते हैं गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के, उनके लिए काम है, सिटी वालों के लिए नहीं होता ये, बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्र के ही करते हैं। तो वो किस तरीके से, अगर उनका नाम है लिस्ट में, तो वो किस तरीके से चेक करेंगे, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको, देखिए, हम सिंपल साइज में आपको टाइप करना होगा मनरेगा योजना, और जब फुल खुल के आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, जो इसका पूरा नाम है हम आपको बता देंगे, मनरेगा का मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूल्स। तो इसका जो पूरा नाम है वो आपको ऊपर दिखेगा, जो फर्स्ट में आपका आया है, इस पर ओके कर दें। इस पर ओके करने के बाद में अब हम आपको बता देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और इसमें उसके बाद में आपको हम पूरा नाम बता देते हैं। जो मनरेगा नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी नेशनल रूल्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मिनिस्ट्री ऑफ रूल्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे जो इसका मेन नाम है वो महात्मा गांधी नेशनल रूल्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, तो ये इसका नाम है, महात्मा गांधी नेशनल रूल्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इसको मनरेगा कहा जाता है शॉर्टकट में। तो ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि इसमें उस तरीके से आपको, ये डैशबोर्ड है इसका, ये पोर्टल है, साइट है ये जो मनरेगा की। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा बाईं तरफ स्क्रॉल करते हैं, फिर थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे रेड रेड स्क्रॉल, थोड़ा और जूम कर लें आप। जूम करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब कार्ड, जॉब कार्ड के ऊपर सर्च कर लें। सर्च करने के बाद में थोड़ा और जूम कर लें, और यहाँ पे अपना स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य, सिलेक्ट कर लें, जैसे कि हम राजस्थान से, राजस्थान सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम थोड़ा फिर जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से पोर्टल आपके पास, डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर तो रखा है स्टेट, उसके बाद आप सन, सन मतलब कौन सा ईयर्स का आप देखना चाहते हो लिस्ट। तो फाइनली जो लिस्ट आई हुई है, नई लिस्ट है जो 2020 और 21 की है, इस पर ओके करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें आप, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमारा भरतपुर है, ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है नगर, जिसे BLO भी कहा जाता है, और नगर चूज कर लेते हैं, और अपना पंचायत कर लें सिलेक्ट, और जैसे कि हमारा जलालपुर है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद प्रोसीड पे ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देखना ये होता है कि आपको जो नए नाम है वो किस तरीके से दिखेगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो रेड में दर्शाए गए नाम है वो सभी नए जुड़े गए हैं अब की बार, और जो ग्रीन टिक हैं वो ऑलरेडी पहले वाले हैं। तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से, जो इसमें धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल करें कि यहाँ कौन कौन से नाम जुड़े हुए हैं। तो इसमें दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और इसका ये कि नीचे देखिए यहाँ पे और हैं, ये पूरा तहसील, सॉरी पूरा उसका दे दिया है ग्राम पंचायत का। अगर आप अपने सिर्फ विलेज का देखना चाहते हो तो एक और पोर्टल है, एक और साइट है, इसी की साइट है, और बाकी डैशबोर्ड अलग है, और उस पर आप चेक करना चाहते हो तो मैं उसका भी आपको नीचे बता देता हूँ अभी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और आप जूम करना चाहें तो इसमें आप जूम भी कर सकते हैं, इस तरीके से जूम करके आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड रेड दिखेगा, थोड़ा और जूम कर लें, यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से स्क्रॉल कर लें कि आपको सभी दिख जाएगा। जैसे कि जॉब कार्ड का नंबर दिया हुआ है, और जैसे महावीर मदन लाल है, बगदू है, पलविंद्र है, और जैसे कि रमन है, जुनेद है, विष्णु है, लक्ष्मण है, रफीक है, देशराज है, और शेर सिंह है, कुर्शीद है, जसविंदर है, श्रीनिवास है, राकेश है, पवन है, सतीश है, सीताराम, कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो मतलब एक तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अगर आप दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हो तो मैं वो तरीका बता देता हूँ। हम पीछे चलते हैं और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ये जो लिंक है मैं कॉपी कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगा, वीडियो के नीचे डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके ओके कर लेना और चेक ज़रूर कर लेना एक बार। अगर वहाँ से अगर नहीं दिख रहा, मान लो राजस्थान से, ये भी होता है कई बार साइट बिजी होती है वहाँ से आप चेक नहीं कर पाते, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस साइट से। तो मैं ये लिंक डालूँगा नीचे। सेम भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये भी है कि आप इसका प्रिंट भी डाउनलोड कर सकते, बाकी उसमें नहीं था,
तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेट कर लिया सिलेक्ट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर आ चुका है, और यहाँ पे ब्लॉक जैसे कि हमारा नगर आ चुका है, विलेज, यहाँ पे विलेज आप देख सकते हैं। नाम ऑफ हेड वाइज मतलब नाम के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, जैसे ए के आएंगे, बी बी आए के, उस सी सी के आएंगे, उस तरीके से ए टू जेड में आ जाएगा। यहाँ पे अगर पेज देखना चाहते हो तो आप 45, 30, अब जिस तरीके से देखना चाहते हो, जैसे कि हम 50 करते हैं और सबमिट पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और स्क्रॉल करके यहाँ पे जैसे कि ये देखिए हमारा जो विलेज उदयपुर नियम उसका पूरा आ चुका है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे जॉब कार्ड का नंबर दिख जाएगा और ऊपर तरफ करते चलें, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे उस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, जॉब कार्ड का नंबर है, गांव है जो कि हमारे यहाँ पे गांव की अभी फ़िलहाल में 3 लिस्ट हैं और 4 आ गई, और उसके बाद दूसरा जो हमारा ग्राम पंचायत है जलालपुर, नीचे जलालपुर का देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जलालपुर 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 जलालपुर, इस तरीके से इसमें सभी लिस्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाओगे अलग अलग गांव की नीचे मिलती जाएंगी, जो एक ही पंचायत में जितने भी गांव होंगे उनकी लिस्ट नीचे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए नीचे सभी मिलने लग गई हैं, और मान लीजिए इसमें अगर प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा बैक जाना होगा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके देख लेगा, नीचे दिखा होता है कि हाँ प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट करना चाहते हो डाउनलोड एक्सेल फाइल वो भी कर सकते हो, इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हो, प्रिंट का मतलब होता है यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो आप प्रिंट निकाल सकते हो मशीन से। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट पे ओके करेंगे, थोड़ा वेट करें और यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिपेयरिंग प्रीव्यू हो रहा है, यहाँ पे पीडीएफ फाइल में आप इसको सेव कर सकते हो सभी को, और पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हो, अगर आप एक्सेल फाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी उसमें डाउनलोड कर सकते हो, दोनों तरीके कर सकते हो आपको जैसा अच्छा लगे। जैसे कि हमें अभी थोड़ा वेट करना होगा आपको, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने 2 बार इसमें 2 तरीके बताए हैं मेरे दोस्तों, बाकी ये कि अगर आप उसी हिसाब से देखना चाहते हो सिर्फ एक से ही तो वो आपकी इच्छा है, आप एक से चेक कर सकते हो, बाकी टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये। यहाँ पर ये देखिए आ चुका है पीडीएफ, आप ये पूरे गांव का जो आपका ग्राम पंचायत है पूरा का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि इसमें जिसका भी व्यक्ति का नाम है ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप पीडीएफ जाएंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे जाके आप सेव कर दें, और बैक करना चाहे तो यहां से आप बैक ऑप्शन जो आपका फ़ोन होता है उस पर बैक करके आप बैक भी जा सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ जैसे मैं दिखा रहा था, अभी थोड़ा वेट लगेगा क्योंकि ये बहुत सारी लिस्ट है, इसमें इतनी बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे ये देखिए आ चुका है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए सभी पहले से ऑलरेडी हैं, इसको सेव कर दें आप, ये लिस्ट सेव हो गई है, ये ऑलरेडी लिस्ट है जो उसमें जा चुकी है। तो हम एक बार दिखा देते हैं, बैक चलते हैं थोड़ा पीछे और हमारी फाइल में चलते हैं। फाइल में जाने के बाद में आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद में ये देखिए ऊपर की तरफ आ चुकी है पीडीएफ फाइल है जो, इसको ओपन करोगे तो आप ये देखिए पूरी लिस्ट मिल गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कोई भी अपनी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या डाउनलोड एक्सेल फाइल भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी अपनी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो इस तरीके से आप अपने गाँव की नरेगा जॉब कार्ड की लिस्ट, नरेगा जॉब कार्ड की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जिसको मनरेगा कहा जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूल्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। तो ये आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी फाइल। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर मन में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें। ऐसे ही नई वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बहुत सारी लेके आते रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अगर कर रखा था बहुत अच्छी बात है, कमेंट किया करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।